नमस्कार, आज मैं बीएड के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, सीईटी बीएड काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 अगस्त तक, ठीक है, पंजीकरण कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं कि क्या है। ठीक है, तो देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ठीक है, LNMU दरभंगा में है। दरभंगा के लिए बिहार सीटी बीएड में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, बीएड में प्रवेश के लिए सफल उम्मीदवारों को पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया सोमवार से 4 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, सोमवार से 4 अगस्त तक चलेगी। वहीं कॉलेज का आवंटन 11 अगस्त को होगा। ठीक है, कॉलेज का आवंटन की बात कीजिए तो 11 अगस्त होगा। और वहीं काउंसलिंग के लिए, ठीक है, काउंसलिंग की बात कीजिएगा तो काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग के लिए किस तरह से काउंसलिंग आप कर सकते हैं उसका दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को च्वाइस फिलिंग, ठीक है, च्वाइस फिलिंग और कॉलेज का चुनाव सावधानीपूर्वक करना होगा। आप इसमें कम से कम 12 कॉलेज आपको चुनना होगा। ठीक है, तो इसको सावधानीपूर्वक कीजिए। और एक बार में महाविद्यालय का आवंटन हो जाने पर उम्मीदवार अगली काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएगा। एक बार विश्वविद्यालय अथवा एक से अधिक विश्वविद्यालय से 12 महाविद्यालयों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक विश्वविद्यालय से 12 महाविद्यालय का चुनाव कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।